जो ऑनलाइन बच्चे हैं ये, उनको आवाज आ रही है मेरी? बच्चों, यस मैम। तो आपको सारांश समझ में आ गया होगा। कल आपको बता दिया गया था, प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न आपका है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा था? बताइए क्या है उत्तर इसका। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था, जिसे देखकर लेखिका हैरान थी, आश्चर्यचकित थी। उसे लग रहा था जैसे आसमान उल्टा उल्टा पड़ा हो, उलट गया हो, और सारे जो तारे हैं वो नीचे बिखर गए हों और टिमटिमा रहे हों। हर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। तो वो इन दृश्यों को देखकर कैसा लग रहा था उसे? कैसा लग रहा था? पहले खंड में दिया हुआ है, ये सब दृश्य लेखिका को सम्मोहित कर रहे थे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने कहा है ना, कुछ इस कदर उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ क्या था, अर्थहीन था। मेरी चेतना कैसी हो गई थी, जैसे चेतना ही नहीं, मतलब शून्य था, क्योंकि उस जादुई दृश्य को देखकर वो सम्मोहित हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक में जो श्रमिक वर्ग था, केवल वो ही परिश्रम नहीं करता था, बल्कि वह एक ऐसा पर्वतीय स्थल था जिसे वहां के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उसे सुरम्य बनाया था। वहां सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है भी कर सकते हैं, क्योंकि गंगटोक तो अब भी है, तो इसे वर्तमान में लिख सकते हैं। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि परिश्रमी वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, वो ही इस परिश्रम का कार्य करता है, अपितु वहां का प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम करता है। इसलिए वहां के शहर को क्या कहा गया? बादशाहों का शहर कहा गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फैलना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? बताइए। मैम, श्वेत पताकाएं तो तब फहराई जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है बहुत की, और हाँ रंगीन ठीक, जब किसी कार्य रंगीन का आरंभ पताका हो। है। सही है। श्वेत किसका प्रतीक होता है? श्वेत रंग शांति का प्रतीक होता है, श्वेत रंग। तो दो यस करें कि मैम। पवित्र स्थानों पर पताकाएं, मतलब पताकाएं मतलब ध्वज, झंडी जो होती है, लगाई जाती है, एक शांति और अहिंसा की प्रतीक, और श्वेत पताकाएं होती हैं, और दूसरी शुभ कार्य के लिए रंगीन पताकाएं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो बौद्ध धर्म है उनके अनुयायी मृत्यु होने के पश्चात आत्माओं की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं लगाते हैं। इनको फहरा दिया जाए तो उनका मानना है कि आत्माओं को शांति मिलती है। और जो रंगीन पताकाएं हैं वो किसी नए कार्य की शुरुआत में लगाई जाती हैं, और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न ज्यादा बेसक हैं, लेकिन जो तीन प्रश्न आपने करे शायद याद हो गए होंगे। मेहनत कष्ट वास्ता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम करता था, सुरम्य मतलब सुंदर बनाने के लिए सब अपना कर्तव्य समझते थे। इसमें दो तरह की पताकाएं,
एक श्वेत एक रंगीन। श्वेत बौद्ध धर्म के ऐसा ही मानते हैं किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं लगाई जाती हैं। जो रंगीन है वो पताकाएं किसी कार्य के प्रारंभ करने पर या शुभ कार्य पर लगाई जाती हैं और वो अपना आप नष्ट होती हैं, उनको कभी उतारा नहीं जाता। जैसे हम लोगों की मान्यता है कि हम भाई प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, कोई झंडे लगाते हैं, कोई पताकाएं चढ़ाते हैं, अपना अपना विचार है, कोई भंडारा करते हैं, ऐसी वहां के लोगों की मान्यता थी। जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो मैंने अभी आपको सारांश में बताया था। सामाजिक स्थिति वहां की कैसी थी, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वहां की प्रकृति कैसी थी और वहां का जनजीवन कैसा था। जितेन कौन था, जितेन नारगे कौन था, गाइड था। और वह लेखिका को, हाँ गाइड था, जो वो घूमने गई थी तो सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा और भौगोलिक स्थिति के तथा जनजीवन के बारे में वो जानकारी दे रहा था। उसने बताया कि सिक्किम में गंगटोक से लेकर न्यूमथांग तक तरह तरह के फूल है, फूलों से लदी हुई वादियां हैं, घाटियां हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि वो पताका वाला कि यहाँ पर शांति के लिए किसी की मृत्यु पर 108 पताकाएं किसी पवित्र स्थान पर लगाई जाती हैं और रंगीन नंबर डाल के भी लिख सकते हैं, नंबर 3 रंगीन पताकाएं हम किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने या किसी अच्छे कार्य के लिए लगाते हैं। फिर उन्होंने बताया कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की भी क्या हुई थी, शूटिंग हुई थी और वहां पर जब उसने एक झोपड़ी में धर्म चक्र को घूमते हुए देखा तो उन्होंने बताया यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो वहां का क्या हो गया जनजीवन का, फिर बताया उन्होंने पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना आदमी चर्बीला मतलब मोटा आदमी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। यहाँ की औरतें भी बहुत परिश्रमी हैं, बहुत सुंदर हैं, और सुंदर होने के बाद भी कठिन परिश्रम करती हैं, जैसे चाय के बागान में जाकर काम करती हैं। और जो मजदूर वर्ग है वो क्या करता है, पत्थर कूटने का काम करती हैं और अपने किसको बच्चों को भी साथ में रखती हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो कटाव है स्थान है वो बड़ा सुंदर है, उसको क्या कहते हैं, मानो कटाव हिंदुस्तान का क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या होता है, क्या है स्विट्जरलैंड, एक ऐसी जगह है जहां अनुपम सौंदर्य है जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसा ही अनुपम सौंदर्य किसमें था, स्विट्जरलैंड की तरह कटाव नामक स्थान पर उसकी सुंदरता का वर्णन किया है और उसको उपमा दी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो घाटियां हैं 15-20 दिन में ही पूरी फूलों से भर जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फूल बिखरे पड़े हों। आपने पाठ पढ़ा था अट रही है शोभा, फागुन मास की पट रही है, आंख उठाता हूं तो हट नहीं रही है। उसमें भी तो सुंदरता का वर्णन, उन्होंने होली के मतलब होली के दिनों फागुन मास का वर्णन किया था, ऐसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर इतने फूल हो जाते हैं 15-20 दिन में ही, मानो फूलों की चारों तरफ सेज बिछी है, ये वर्णन आ सकता है। और जनजीवन में आप वही डाल सकती है कि यहाँ की औरतें कितना कठिन परिश्रम करती हैं, छोटी छोटी पगडंडियों पर भी वो काम करती हैं, यहाँ के बच्चे भी बहुत परिश्रम करते हैं, पढ़ने जाते हैं बहुत ऊंचे से उतरकर और फिर उसके पास घर जाकर वो गऊ और अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, बड़े मतलब वहां से लकड़ी ढोकर लाते हैं, तो उनका बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन है। इन सब का वर्णन इसमें आ जाएगा, पैराग्राफ बना बना के लिखेंगे। लॉग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को
पूरे भारत की आत्मा एक ही क्यों दुखाई दी। किसी की किताब में लॉन्ग लिख रहा है, ये लॉग है, लॉग स्टॉक, लॉग स्टॉक एक स्थान का नाम है। जब उसने देखा कि यहाँ पर झोपड़ी में ये चक्र क्या घूम रहा है, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, इसमें ऐसे लिखेंगे कि जब जितेंद्र नारगी क्या पहुंचे, लॉग स्टॉक में पहुंचे, तो उन्होंने उसके बारे में रास्ते में कुटिया में जब एक चक्र को घूमते हुए देखा तो उन्होंने उसके बारे में उनसे पूछा। वहां के लोगों ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि पार हो, मैदान हो, या समतल स्थान हो, या तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। सबकी आस्थाएं, सबके अंधविश्वास और सबके पाप पुण्य की अवधारणाएं, सबकी कल्पनाएं एक सी लगती हैं। चाहे उसका तरीका अलग है, लेकिन चाहे हम मैदानी स्थानों पर पहुंच जाए चाहे पहाड़ी पर पहुंच जाए, सबकी एक सी अवधारणाएं हैं, विचार हैं। उनको लग रहा था यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां पर उनको ऐसा लगा। जैसे हम मानते हैं मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हमें पुण्य मिलेगा, ऐसे सबकी अवधारणा है। जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो, आप घूमने जाते हो और आपको गाइड कर दिया गया तो आप क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं उनसे, इच्छाएं आपकी क्या होनी चाहिए, इसको क्या क्या पता होना चाहिए, वही सारा आपका क्या हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। एक कुशल गाइड कौन होता है, जिसे उस शहर की सामाजिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी समस्याओं का या सभी स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो, तभी तो बता सकता है। गाइड क्या करते हैं, जब आप घूमने जाते हो हमारे साथ लाल किले वगैरह पर, तो गाइड होता है, वो बताता चलता है यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, और हम लोगों को तो नहीं पता, हमें तो लगता है ये महल ही है, इसकी क्या विशेषता है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन गाइड हमें जानकारी देता है। वो जानकारी कब दे सकता है, जब उसे स्वयं पता हो, वहां का भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक पूरी जानकारी रखता हो। और वो नारगी तो ड्राइवर भी था, साथ साथ में गाइड भी था, वो ड्राइवर भी था, तो कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना इसका निर्णय भी वह स्वयं ही कर रहा था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती थी, उसे पता था मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। कई बार लेखिका कहती भी थी तो वो कहते थे हमें और भी जगह देखनी है। और अगला क्या होना चाहिए और बताइए, आप बताइए। एक उसका जो बोलने का तरीका है कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ऐसा नहीं मृदुभाषी होना चाहिए। वो यदि गुस्सैल सा होगा, यदि आपको डांटने लगेगा तो आप कहोगे भाई ये कैसा गाइड है। हम किसी के पास जाते हैं जो मृदुभाषी होता है, जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। यदि हम उससे कुछ बात पूछ रहे हैं, उत्सुकता है हमें, तो उसका वो हमारा समाधान कर सके। और वहां के लोगों के जनजीवन के सभी गुणों को, दोषों को वो जानता हो, उसकी जानकारी भी वह रखता हो, संवेदनशील हो, और वह इतना क्या समझे सहयोगी या प्रेमी ये कैसे होना चाहिए कि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। जब हम उसके साथ घूम रहे हैं तो वो हमारे साथ ही रहे और हमारे साथ घुल मिल जाए। बागपटु होना चाहिए, बोलने में चतुर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। कुछ बच्चे और जुड़ गए हैं, अब मुझे अटेंडेंस लगवा दो बच्चों।